हे गाइस व्हाट्स अप। मैं बताऊंगा आपको कि टॉम हैंक्स स्टारिंग ग्रे हैंड जो कि एप्पल प्लस पे रिलीज हुई है वो वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं। मूवी की स्टोरी ऐसी है कि 1941 का टाइम है और जो टॉम हैंक है वो एक कॉन्वे के लीडर बनाए जाते हैं। कॉन्वे आपको बता दूं सिंपल वर्ड्स में कि कॉन्वे बहुत सारे शिप्स का ग्रुप होता है जिसमें 2-3 शिप्स होती है वेपन से लेस, मतलब जो उनको बाकी की शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2-3 शिप होती है और वो उनके लीडर होते हैं जो टॉम हैंक उन सारी शिप्स को लीड भी करते हैं और उनको ले जाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। तो ये उनका मिशन होता है और वो जो उनका पहला मिशन है वो सक्सेसफुल मतलब ठीक ठाक चल ही रहा होता है और उसमें एंट्री होती है यू बोट की, जर्मन यू बोट की। यू बोट में आपको बता दूं कि अंडर सी बोट या यूं कह लो सबमरीन पनडुब्बी तो वो होती है। और वो जो यूएस आर्मी है, जो यूएस नेवी है, उन लोगों के लिए ये सब कुछ नया होता है जब जर्मन्स वाले बहुत मतलब उन्होंने दिखा दिया कि हम तुमसे बहुत आगे हैं और जो यूएस वाले हैं उनको लगभग शायद उन्होंने पहली बार ही उस यू बोट को देखा था तो सब लोग शॉक्ड भी हो जाते हैं। और कैसे फिर मूवी के अंदर टॉम हैंक जो है वो यू बोट से डील करेंगे क्योंकि यू बोट ने उनकी बहुत सारी शिप्स को ब्लास्ट कर दिया था और फिर आगे मूवी के अंदर कैसे टॉम हैंक सबमरीन से डील कर पाएंगे वो सब आप इस मूवी में ही देख पाओगे। तो बात करते हैं इस मूवी में क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो मूवी के अंदर सबसे अच्छी बात टॉम हैंक्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस है। टॉम हैंक्स की एक्टिंग ही हम लोगों को पूरी मूवी से कनेक्ट करके रखती है और हमको स्क्रीन से बांधे रखती है। दूसरी अच्छी बात मूवी के सिनेमेटोग्राफी, मतलब यूं कह लो कि VFX, मूवी में जो VFX है वो बहुत अच्छे हैं जो कि काफ़ी रियल लगते हैं देखने में। मूवी का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी, स्पेशली जो वॉर सीन बैटल सीन्स होंगे वो बहुत अच्छे हैं। मतलब कहीं कहीं पे तो ऐसा भी होगा कि आप पूरा घुस जाओगे उस मूवी के अंदर। और मूवी के अंदर जो मेरे को बुरा लगा है वो ये है कि मूवी में किसी भी कैरेक्टर के अंदर डेप्थ नहीं है। मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पे मूवी के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ की टॉम हैंक्स जो मेन लीड कैरेक्टर है उनके कैरेक्टर में भी डेप्थ नहीं है। मूवी के नाम पे भी डायलॉग्स के नाम पे कुछ भी नहीं है। मूवी के अंदर जो डायलॉग्स और जो भी सीन्स मतलब आएंगे वो एक कैप्टन जो होता है वो अपनी नेवी को कमांड इंस्ट्रक्शन देता है वही सब है मूवी के अंदर। और गाइस सबसे बुरी बात मेरे को ये लगी कि ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई है, ये मूवी इंग्लिश में है और इस मूवी को बिना सबटाइटल्स के साथ नहीं देख सकते। मतलब मेरे जैसा बंदा तो नहीं देख सकता क्योंकि जो इसकी इंग्लिश है वो बहुत हाई लेवल की है और ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपने मतलब मैंने तो पहली बार ही देखे और सुने हैं। ये मूवी एक अच्छा टाइम पास मूवी है, आप इस मूवी को देख सकते हो और स्पेशली अगर आप आर्मी या नेवी में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज़रूर देखो। ये ट्रू इवेंट पे बेस्ड है तो आपको जानने को मिलेगा कि कैसे नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उन लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है। सबसे बुरा मेरे को ये पता चला कि जो उनकी डेड बॉडी होती है मतलब मरने के बाद उनको समुद्र में ही फेंक दिया जाता है। मतलब सोचो यार आसपास समुद्र हो, आपका शिप चल रहा हो और बूम कोई अटैक कर दे। तो गाइज यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मूवी को ज़रूर देखो क्योंकि इस मूवी से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को और जानने को मिलेगा। और अगर आपने मूवी देख ली तो अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना यार। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। और लेवल की थी।